यो व्हाट इज अप बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल है तुम सब लोगों के। मैं तुम सबका होस्ट ड्रीम बॉय बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से हिमलैंड्स के अंदर तबाही मचाने वाले हैं। लेकिन तुम लोगों को पता होगा कि पिछली बार हिमलैंड्स के एपिसोड में क्या हुआ था। मैं एक अलग टाइमलाइन में जाके फंस चुका हूं। मेरे को वहां के परपी ने, जो विजर्ड बना हुआ है, उसने मुझे एक बहुत ज्यादा डेंजरस जेल में बंद कर दिया है, जो कि उस टाइमलाइन के हिमलैंड की सबसे ज्यादा सिक्योर जेल है। गाइस मेरे को सीरियसली नो आइडिया कि इस जेल में से मैं निकल पाऊंगा भी या नहीं, बिकॉज ये जेल बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इवन इस टाइमलाइन से भी मैं निकल पाऊंगा यानी मुझे नहीं पता। सो गाइस जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, जल्दी से लाइक कर दो। तुम्हारा एक लाइक मतलब मैं इस टाइमलाइन से इजीली निकल पाऊंगा। एम करते हैं इस वीडियो पे 75,000 लाइक्स का। होपफुली तुम लोग करवा दोगे अपने भाई लोगों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अभी शुरू करते हैं। खतरनाक जेल है, देख रहे हो। इसके अंदर मेरे ब्रेड्स भी खत्म हो चुके हैं और खाने पीने का कोई मतलब पता ही नहीं है कि खाना पीना कहां से आने वाला है। और ये देखो सामने भाई, मेरे को नहीं पता ये कौन है। ये देखो, ये मेरे को वहां से देख भी रही है। ये यार ये मुंडी हिला रही है मेरे को देख के। रुको मैं भी हिलाता हूं। हाँ 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 ओ माय गॉड, ये लड़की भी यहाँ पे फंसी हुई है एंड आई डोंट नो क्या होने वाला है यहाँ पे। ब्रो देख रहे हो तुम लोग, इस जेल के अंदर इतने सारे सेल हैं और पता नहीं आई डोंट नो बाकी के सेल्स क्यों खाली पड़े हैं और इधर सिर्फ हम दोनों हैं, मैं और सामने वो लड़की। अब मुझे ये नहीं पता। ओ माय भाई, ये बंदा हमको ब्रेड दे रहा है, दोस्त है क्या है? बाप रे भाई, ये बंदा उसको भी ब्रेड दे रहा है। ये बंदा डेंजर है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो दिखने में क्या खत, आई थिंक ये यहाँ का जेलर है। और ये इन खाली प्रिजंस में, मतलब जो खाली सेल है इनमें क्यों ब्रेड दे रहा है? आई डोंट नो ये क्या कर रहा है। हाँ हाँ ओके, थोड़ा ज्यादा ही दे जाता है, इतने से क्या होता है। ये देखो यहाँ पे भी दे रहा है, बट ये तो पूरी खाली सेल थे। ब्रो आई डोंट नो ये क्या मैटर है, ये कूद के क्यों दिखा रही है मेरे को। व्हाट, ए वो नीचे गई, व्हाट वो नीचे का ये, वेट 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 एक सेकेंड भाई, ये बंदी एक सेकेंड, इसको जेल के रास्ते पता है क्या? और इसको कौन परमिशन दे रहा है बाहर जाने की? ओ माय गॉड, क्या इसकी कंप्लेन करनी चाहिए मेरे को? नहीं, एक काम करता हूँ, अगर इसको जेल के रास्ते पता ना तो क्यों ना मैं इसको अपनी दोस्त बना लेता हूँ और यहाँ से जेल से निकलने में क्या पता है मेरी मदद कर पाए। बेटी ऊपर आएगी। ओ माय गॉड ब्रो, ये खतरनाक लड़की है, पता नहीं क्या करने गई थी। आई डोंट, ये क्यों मेरे को ऐसे इशारे कर रही है, ऐसे मेरा दोस्त बनना तू मेरा दोस्त बनना चाहती है? ए? नहीं बनना चाहती तो हाँ क्यों कर रही थी भाई? इसके हाथ में पिकेक्स है ब्रो, पिकेक्स। What the hell man? इसके पास पिकेक्स आ गई। I don't know, ये क्या कर रही है जेल के अंदर, क्योंकि ये जेल जितना मेरे को पता है बहुत ज्यादा सिक्योर है और ये परपी ने बनाई है इस टाइमलाइन के, जो अभी विजर्ड बना हुआ है। और मैं तो लेजिट कोई ब्लॉक भी नहीं तोड़ सकता हूँ, ये देखो। और उसके पास पिकेक्स है भाई, मेरे को नहीं पता, नो आइडिया मेरे को कि ये क्या होने वाला है। भाई ये बंदा जा रहा है, वेट वेट वेट, आई थिंक इस बंदे ने सबको ब्रेड दे दिए यहाँ पे, पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि वो खाली सेल्स में क्यों ब्रेड दे रहा था, क्योंकि वो खाली सेल्स जो है उनमें कोई भी नहीं है और वहां भी ये बड़े मजे से ब्रेड डाल के जा रहा था। देखो गेट खुलने की आवाज आई, वो जा चुका है बाहर बेबी। भाई ये बंदा तो जा चुका है, बट अभी क्या करूं। अरे तू मेरी बात सुनना, तो वो कुछ पता तो मेरे को बचाना, मेरे को बाहर निकल। ओ माय गॉड ब्रो, इस लड़की को रास्ते पता है आके, ये देखो 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 वहां से दिख जाएगा मेरे को वो, देखो चल के जाएगी शायद। नहीं गई क्या? ए मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर दिया इसने? ओ आ गई आ गई आ गई, प्लीज 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 प्लीज, तू बचाना मेरे को, देखना। अरे मेरे को तो यहाँ से निकालना, नाम क्या जरा? ओ भाई साफ मना कर रही, ए बताना है बता, नहीं बताना नहीं बता, बट तू प्लीज मेरे को यहाँ से बचाना, मैं तेरा दोस्त बनूंगा, तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को लाके दूंगा, तू प्लीज मेरे को इस जेल से निकाल देना यार प्लीज, दोस्त नहीं है मेरी, नहीं है तू मेरे को पता है, पर निकाल दे। अरे भाई ये बंदी मेरे को बोल रही है कि तुम ट्रेड कर मेरे साथ, मैं तेरे से जेल में ट्रेड करूं अभी, जेल में। वो बंदा आ गया ना, वो जिंदा जला देगा हमको, उसकी शक्ल देखिए, वो खुद बंदा कैसा है डेंजर दिखने में। भाई ये बंदी बोल रही है कि इसको ट्रेड चाहिए कुछ ना कुछ। अरे मैं ब्रेड का, तू मेरे को बचा दे यहां से प्लीज, मैं बोल रहा हूं तेरे को। हाँ तो खोल ना फिर, अब मैं तुझे
तुझे मैं डायमंड्स कहां से लाके दूं, एंडर चेस्ट तेरे को बनाना है, मैं कहां से तेरे को ऑब्सीडियन लाके दूं, मेरे को बोल रहे मुझे एंडर चेस्ट बनाना है, इसको माल चाहिए तो मैं कहां से लाके दूं। यार कमाल की लड़की है तू, देख देख देख, ओके ओके मैं तेरे को श्योरिटी देता हूं, इधर इधर देख मेरी बात सुन, अगर तू जेल से मुझे निकालने वाली है ना तो फिर मैं तेरे को एंडर चेस्ट क्या, मैं तेरे को डायमंड सब कुछ दूंगा, पर मेरे को इस जेल से निकाल दे। तेरे को खुद निकलना आता है इस जेल से? अबे तेरे को बस सेल से निकलना आता है? ओ माय गॉड, कितने साल से फंसी हुई है भाई तू यहाँ पे? भाग गई बिना बताए? ए ओके, तो मेरे यहाँ पे कोई लीवर नहीं लगा हुआ क्या? मेरे यहाँ कोई लीवर नहीं है क्या? वो खोल दे। हेलो, मेरे यहाँ लीवर, तो मैं कैसे आऊंगा बाहर? जस्ट टेल मी भाई, कुछ करना यार प्लीज, मेरे को यहां से निकालना। ए एक सेकेंड गाइस, ये बंदी मेरे को बोल रही है कि तेरे पास तेरे सेल में लीवर नहीं है, इसीलिए मैं पिकेक्स लाई हूं। पिकेक्स लाई है मेरे लिए? पर क्यों भाई? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ब्रो, व्हाट, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ? ए खोदना, जल्दी खोद, यहां से निकलते हैं जल्दी। 1 2 3 ओह माय गॉड, दिस इज गुड बॉयज, भाई दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी, मार दे ओए सारे मज रहे, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, पता लग, ओह माय गॉड ये बंदा भी, नहीं मैं मर जाऊंगा जल्दी, कहीं लेके चल मेरे को जल्दी प्लीज। ओह माय गॉड, ये मेरे को बोल दे कि फॉलो करो क्या है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बंद हो गया, बंद हो गया, दिस इज गुड, दिस इज गुड ब्रो, भाई इस लड़की को कितना पता है इस जेल के बारे में। व्हाट, मैं तेरा पीछा करूं बस? ओके हाँ मैं तेरे पीछे ही हूँ, टेंशन मत। ओ माय गॉड गाइस, इस बंदी ने यहाँ पे हर जगह रास्ते फाइंड कर रखे हैं। ओए ये तू मेरे को वॉशरूम क्यों लाई है? क्या यहाँ पे भी कोई सीक्रेट जगह है क्या? इसके अंदर जाना है हमको, बट इसके अंदर जाएंगे कैसे? हम कैसे जाने वाले हम? आ शेट, इसको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसको ये मेरे को बोल रही है कि इसको ना ऐसे टनल्स के अंदर जाना है जो कि वाटर की है। अब ये हमें गटर में घुमाने वाली है भाई, इन शॉर्ट सच बोलूं तो। ए जेलर आ गया ब्रो, भाग 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 भाग, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, यार ये लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता, जल्दी जल्दी इधर इधर ऊपर ऊपर, अरे फंस गया मैं, फंस गया, निकल निकल बेटे निकल निकल, नहीं उस पे स्वॉर्ड है उससे लड़ नहीं सकते, प्लीज जल्दी बाहर आ जा यार, मर जाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आ रही है वो, अरे जेलर आ रहा है भाई, नो 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 नो, ड्रीम बॉय ऐसे थोड़ी, आ जा आ जा, ओ बेचारा, ओए मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, जल्दी भाग प्लीज, मैं मर जाऊंगा मैं गया मैं, ओ मेरे पे आयरन का डोर है, वेट 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 वेट, रुको रुको मैं कुछ तो करता हूं, मैं इधर से जाता हूं बस सिंपल। ओ शिट, हां इसको पिकेक्स से जो तोड़ पा रही है एरिया को, जल्दी ओके यस, चलो 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 चलो, ओ माय गॉड गाइस दिस इज गुड। इस बंदी ने मेरे को पता क्या बताया, इसने बताया कि जो जेलर है वो अपनी इस की को, बेसिकली एक की है जो कि यहाँ के सारे रास्ते खोल सकती है, वो इस चेस्ट के अंदर डाल के जाता है, और ये लड़की जो भाग के गई थी ना नीचे पहले, उसने इस चेस्ट के अंदर से वो की उठाई और बस ऊपर चली गई, इसीलिए इसने की उठाई थी क्योंकि मेरे सेल में लीवर नहीं था जिसे खोल के मुझे बाहर निकाल सके। कितनी महान है तू यार, इंटेलिजेंट, IQ है तेरे में सच्ची। अभी प्लीज ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो गेट जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, लेट्स गो लेट्स गो, अभी जा गया वो बंदा, ए मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, ओ माय गॉड मैं वापस ऊपर क्यों आ गया हूं, आई डोंट नो, हले बस 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 ओके, मैं डर गया था, मैं डर गया था, लिटरली मैं डर गया था, बंद कर बंद कर बंद कर, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय, ओके ओके खोल दे जल्दी, ए फंस गए नहीं 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 नहीं, भाई 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 मैं मरा ब्रो 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 ब्रो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, खा 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 खा, वो कहां भाग गई, कहां भाग गई, वेट उसको वो मार रहा है, होली शिट ब्रो मेरे को उसे बचाना चाहिए, नहीं वो नीचे कूद गया गलती से, दिस इज गुड, अरे किधर जाना है हमको यार, चारों तरफ ऑब्सीडियन की बड़ी बड़ी वॉल्स है, मैं यहाँ से एस्केप भी नहीं कर सकता हूँ, जल्दी खोद जल्दी खोद जल्दी, ये व्हाट तेरे से खुद नहीं रहा, ओ माय गॉड, आई थिंक गाइस इन्होंने जो की है, ये जो पिकेक्स है, एक बार पिकेक्स मेरे को दे, पीछे बंदा है, जल्दी मेरे को पिकेक्स दे, मैं उसे बताता हूँ जल्दी फास्ट, ओके हाँ जल्दी, अबे भाई तू फाइटर है, ये फाइटर लड़की ब्रो, फाइटर सेज, दिस इज गुड बैटल सेज, वो देखो जेलर का बंदा क्या, ओ माय गॉड ब्रो कितना डेंजर है बंदा, ये मारने के लिए, अरे मत ये जेलर को बेवकूफ बना रही है भाई, मार ब्रो दिस इज गुड, भाई कितनी ऑसम लड़की है यार ये,
आजा आजा जेलर बेटे आजा, देखो मैं बताता हूँ। आना, क्या हुआ, डर गया? ओ बेचारा, वो देखो परेशान हो चुका है भाई। वो परपी ने किस पे भरोसा करके जेल इस बंदे के नाम पे छोड़ी हुई है? बस हवा टाइट हो गई। ब्रो वो ऊपर है, ओ माय गॉड, आ चुका है। आजा, आना आना आना, चल 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 चल। वो फिर गिर गया ब्रो। ए लड़की लड़की लड़की, सुन सुन सुन, देख अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमें यहाँ से एस्केप करना है, तो चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। आजा पीछे आजा मेरे, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है कि हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें। खुद कंफ्यूज है ब्रो, वो आ गया वो आ गया वो आ गया, नहीं 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 नहीं, आजा आना। टमाटू टू मार, वो मैं वन है टू, वन है टू, नहीं 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 नहीं, क्या मैं, ये ले ये बंदा मेरे से ब्रेड मांग रहा है मेरे सारे, ले तो और नहीं। अबे और क्या दूं मैं तेरे को, और क्या चाहिए? अच्छा वो तोड़े हुए गेट, ये ले और नहीं है। हाँ दे रहा हूं ना, ये ले और, ओह माय गॉड इसको मेरे हाथ में दिख गया, ये मांग रहा है मेरे से और, ले भाई ले। और की मेरे पे नहीं है सच्ची भाई, दे तो दिए सारे गेट मैंने, अब की दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ओके ओके भाई, धमकी क्यों दे रहा है मारने की, ले की रख ले अपने पास, अब कुछ नहीं है मेरे पे सच्ची में, अब खाली आ तू पूरा, और मारियो मत, मैं मर जाऊंगा, नहीं मैं मर जाऊंगा, हाँ फट हुआ फट। ओके ओके ओके, ये बंदा अभी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो लड़की वापिस आ जाए, नहीं तो मैं इस लड़के को मार दूंगा, मतलब मेरे को मार देगा वो। ओ माय गॉड यार, अगर तुम्हें को सुन पा रही है ना तो प्लीज आजा, मैं मर जाऊंगा, नहीं तो आई डोंट नो भाई उसको आना चाहिए या नहीं भाई, लेकिन मेरा हाफ हर्ट है, मैं इस टाइमलाइन में मरा तो मेरे को नहीं पता मैं कहां जाने वाला हूं। आजा भाई लड़की मेरी, ऐसी तैसी और, नो लड़ मत वो मर जाएगी, नहीं 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 ब्रो प्लीज नो। भाई ये कितनी बोल्ड है लड़की, तो बोल्ड है यार सच में, देख रहे हो कैसे लड़ते हुए आई और सरेंडर कर रही है अभी। ओके ओके ओके, हां ठीक 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 है, फॉलो कर रहा हूं, आ रहा हूं आ रहा हूं, पीछे पीछे आ रहा हूं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तू क्या करती है लड़की, क्या करती है, आ रहा हूँ ना आ रहा हूँ, ये मर जाएंगे हम भाई, इधर बहुत खतरे में हैं हम लोग, ठीक है। वैसे लड़की एक बात कहना चाहूंगा, आई लाइक योर हेयर, आई लाइक योर हेयर। हाँ अच्छा चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, इधर पक्का दा बॉयज वाले मीम बनने वाले हैं मेरे को पता है, बट ओके चल रहा हूँ भाई चल रहा हूँ तेरे पीछे। आई डोंट नो ये बंदा मेरे को कहाँ लेके जा रहा है अभी, पर आई थिंक ये कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है, कोई बहुत ज्यादा सिक्योर जेल में शायद हमको रख दे, या फिर मारेगा तो नहीं यार, अगर मारना होता तो हमें ऊपर ही मार देता, और इस लड़की को भी ये खुद एक हट पे खड़ी है अभी, कहाँ लेके जा रहा है भाई बता तो दे कम से कम, भाई बता तो दे यार, ये तू यहाँ कब से है और किस खुशी में है भाई, ये मेरे को कह दिया कि तू अपना मुंह बंद रख, कभी हम मरने वाले हैं। ओके भाई साहब बहुत क्या, ए मेरी वजह से क्या हुआ है, तू तू तूने किया ये सब शुरू, ये लड़ रही है मेरे से, बोल रही है सब तेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से क्या हुआ है भाई। ओके हाँ ठीक है मेरी वजह से हुआ, हाँ तेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ भाई, ये बंदा हमें जेल में घुमाता रहेगा ऐसे पागलों की तरह। तो ओके गाइस हमें यहाँ पे अजीब से एरिया में लेके आ चुका है, और अभी कुछ तो ये समझा रहा है मेरे को, अच्छा ये मेरे को, ये एक सेकेंड, ये मेरे को कह रहा है कि मेरे को ऊपर जाना है उधर और वहां से नीचे कूदना है, अरे मैं मर जाऊंगा। और इस लड़की के लिए यहाँ पे एक कैबिन बना रहा है जिसके अंदर वो बंद रहेगी हमेशा के लिए, ये कैसे इंसाफ है भाई, उसको मार नहीं रहा और मेरे को मार रहा है, और ये लड़की देखो कितने कॉन्फिडेंस में बंद हो रही है, इसको पता है कि यहाँ से भाग जाएगी, इसको पता है, देखो तेरे को कॉन्फिडेंस है ना खुद पे कि तू यहाँ से बच के भागेगी, कॉन्फिडेंस है ना भाई, भाई ओके मतलब वो लड़की है तो उसको तू, भाई ये कैसा इंसाफ है, मेरे को तू मरने के लिए छोड़ रहा है और उसको तूने बंद कर दिया, उसको भी तो मार, अरे बोल रहा है जाना भाई, ये तो गलत बात है, तू मेरे को मार रहा है, अच्छा अच्छा जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। Guys, okay. This is the end, guys. मेरे को खुद बहुत अजीब लग रहा है भाई, ये बंदा कितना अजीब है, देखो दिख रहा है नीचे से मेरे को, उस लड़की को उसने मारा नहीं और मेरे को मरने के लिए छोड़ रहा है ऊपर, दिस इज बैड ब्रो, और इस टाइमलाइन में मैं मर के कहां जाने वाला हूं, आई डोंट नो, अभी मेरे को नहीं पता गाइस, पहली बार हिमलैंड्स में ड्रीम बॉय मरने वाला है, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, मेरे को लिटरली वो देख रहे हो, वो मेरे को बोल रहा है कि एंड रोड पे कूदना है, उसने मेरे को ये बोला था एंड रोड पे, अब भाई एंड रोड कूद रहा हूं भाई साहब, आई डोंट नो ब्रो, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, मुझे ऐसे नीचे कूदना है, ड्रीम बॉय मरने वाला है ब्रो, भाई मेरे को नो आइडिया, देखो वो बंदा नीचे से चिल्ला रहा है कि जल्दी कूद चल, भाई मैं तेरी मदद करूंगा, जो तू कहेगा वो करूंगा, तेरे साथ जेल में रहूंगा, सब
यार ये समझ ही नहीं रहा है बंदा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, लिटरली मैं ऐसे भाग नहीं सकता हूँ। दूर दूर तक बड़ी बड़ी ऑब्सीडियन की वॉल्स हैं, मैं ऐसे जाऊंगा भी तो कहां जाऊं, और मैं कोई ब्लॉक तक नहीं तोड़ पा रहा हूँ। सब कुछ ए टू जेड अनब्रेकेबल है, देख रहे हो तुम लोग। मैं क्या करूं अभी, अगर मैं नहीं कूदा तो ऊपर आके मुझे मार देगा, मैं ऐसे जंप लूंगा तो भी मर जाऊंगा। ओ माई गॉड गाइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट अगर मैं ऐसे मरूंगा तो कहीं और जाके रिस्पॉन होऊंगा, कुछ तो होगा। ओके फाइनली गाइस, ड्रीम बॉय पहली बार मरते हुए हिमलैंड्स में। 1 2 3 लेट्स गो बॉयज। व्हाट द, ओ भाई साहब, ए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मत पकड़ भाई, मैंने सच में कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ भी नहीं करा। अरे भाई मेरे को खुद नहीं पता ये क्या हुआ। तो ए भाग रहे, ये भाग रहे ब्रो। एक सेकेंड, जेलर भाग गया। जेलर, व्हाट द हेल, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है ब्रो? भाई साहब पूरी जेल, एक सेकेंड, ये जेल डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाली, जिसके साथ साथ मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ अभी। भाई ये पूरी जेल डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे, ये देखो। होली शिट ब्रो, इतनी ज्यादा आवाजें आ रही हैं। ये सब क्या उड़ता हुआ जा रहा है? ओ माय गॉड, सीरियसली पूरी की पूरी जेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसके एक भी ब्लॉक हम तोड़ नहीं सकते थे। मैन रुको, मैं अभी तोड़ सकता हूँ? नहीं अभी तक नहीं तोड़, ए मैं तोड़ सकता हूँ। इस जेल की लगता है पावर कम हो। कोई उड़ के आ रहा है, व्हाट द हेल, ये क्या है? इलाई, ये को, ये, ओ माय गॉड, ये कौन है? ए दूर रह मेरे से, जो भी है तू दूर दूर रह मेरे से। व्हाट, व्हाट, ये एक बार घूम, होली शिट ब्रो, ये मेरी तरह दिखता है, पर इसका चेहरा कैसा है ये? ओ माय गॉड, भाई भाई एक सेकंड, ये देखो, इसे देखो और मेरे को देखो जरा। ओ माय गॉड ब्रो, क्या ये, क्या अजीब चीज है, ये क्या अजीब चीज है? एक सेकंड, ये इस, एक सेकंड भाई, तुम ड्रीमी बॉय हो? ये ड्रीमी बॉय है, और ये अजीब सी चीज जो अभी उड़ रही है, ये तुम्हारे साथ है क्या? कौन है ये? व्हाट, ये इस बंदे का नाम पता क्या? इसका नाम है जीरो ब्राइन। एक सेकंड भाई, आप इस वर्ल्ड के ड्रीमी बॉय हो, है ना, और ये आपके साथ आपका जीरो ब्राइन है, मतलब ये आपकी बात है। हाँ, ओ माय गॉड थैंक्स भाई, मैं सिर्फ गोल्डन कैरेट खाता हूँ, तू भी वही खाता होगा, तू मैं हूँ, मैं तुम हूँ। होली शिट ब्रो, ये क्या लग रहा है, मैं अपने बंदे से मिल रहा हूँ, मैं खुद से मिल रहा हूँ दूसरी टाइमलाइन में। ओए मेरी बात सुन भाई, ये जीरो ब्राइन को पास बुला ना, ये जीरो ब्राइन अभी तक ये नुबड़ा जी की तरह क्यों दिखता है? एक सेकेंड, इसकी पैंट देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम नुबड़ा जी जैसा दिखता है, लेकिन ये हीरो ब्राइन है। ओ माई गॉड, जीरो ब्राइन भाई एक बार नीचे आओगे? सुन रहे हो भाई, एक बार नीचे आओ ना, मेरे से मिलो, मैं भी आप ही हूँ, आपका दोस्त हूँ मैं, क्या नहीं? अरे भाई मर जाऊंगा, मत मार ड्रीमी बॉय बेटा। ए एक सेकंड, इधर इधर इधर, डायलॉग पूरा करियो सिस्टम। ये हुई ना बात, ये मैं ही हूँ गाइस। ओ माय गॉड भाई, तू मेरे साथ डांस करेगा? इधर 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 इधर, जल्दी आ। ओके 1 2 3 स्टार्ट। होली शिट ब्रो, मैं कुछ से मिल रहा हूँ, ये मैं हूँ। ब्रो भाई तू कमाल का है, तू भाई, ये हीरो ब्रेन को कुछ बोल रहा है। ओ माय गॉड, इस जीरो ब्रेन के पास भी वही पावर है जो हमारे वर्ल्ड के हीरो ब्रेन के पास थी, और ये जा चुका है। होली शिट ब्रो, क्या तबाही मच रही है रे बाबा, बहुत भयंकर, दिस इज क्रेजी भाई। ये सैंड कैसे उड़ रही है हवा में, ये देखो ब्रो, दिस इज क्रेजी मैन। भाई साहब ये देखो, कुछ भी कमाल का हो रहा है। क्या
क्या हुआ बता, जल्दी बता। तो ओके गाइस, ड्रीमी बॉय से मेरे यहाँ पे बात हुई और ड्रीमी बॉय ने पता मेरे को क्या बताया। इसने कहा कि जो जेलर है वो भाग चुका है यहाँ से और हीरो ब्रायन उसके पीछे गया उसे पकड़ने के लिए। तो अभी जेलर तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और इसने मुझे बताया कि इसको पता चल गया था कि मैं इस जेल के अंदर हूँ, क्योंकि जब परपी मुझे इस जेल के अंदर ला रहा था तब स्मूटी पाए और एजियो 69 अलाइव इन दोनों ने मेरे को देख लिया था परपी के साथ जाते हुए और इन लोगों ने मेरा पीछा किया, ड्रीमी बॉय को भेजा ताकि ड्रीमी बॉय आके मुझे बचाए। ओ माई गॉड, ड्रीमी बॉय मेरे भाई, भाई तू मैं हूँ, मैं तू है, समझ रहा है। और इस बंदे ने मेरे को ये और बताया कि ये जो प्रिजन है ये पूरे के पूरे इनके हिमलैंड की सबसे ज्यादा सिक्योर प्रिजन है, इसीलिए ये हीरो ब्रेन को साथ में लाया था, क्योंकि हीरो ब्रेन के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो यहाँ पे अनब्रेकेबल ब्लॉक तोड़ सकता है। यार मैंने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे हीरो ब्रेन के पास है या नहीं है, लाइक हमारे हिमलैंड वाले पे। और इनके हीरो ब्रेन का नाम है जीरो ब्रेन। कमाल है, ये देखो पूरी की पूरी प्रिजन टूट चुकी है। और हाँ एक सेकंड, जल्दी खोद भाई, इसके अंदर मेरी एक दोस्त है, जल्दी उसे बाहर निकाल। भाई साहब उससे भी मेरे को काफी बातचीत करनी है, अभी पता लगाने की वो है कौन, उसका नाम क्या, उसका मकसद क्या, वो जेल के अंदर कर क्या रही थी। दिखा भाई, कोई दिखी? हाँ यही है, यही है। अरे डर मत, डर मत, ये मेरा ही भाई, ये बंदी करी है। ये बिल्कुल तेरे जैसा क्यों दिख रहा है? आजा बाहर, आजा बाहर, आजा, आजा भाई जल्दी ऊपर आजा। ड्रीमी बॉय कोई ब्लॉक दे देना उसे, खोद क्या रहा है भाई इतनी देर लगा रहा है। ये बंदा, ये ले पहले कैरेट खा ले, ये ले पकड़ कैरेट खा और मौज कर। हम दोनों लिटरली हाफ फुट में, पता है। ओके गाइस, सो फाइनली इस जेल से बाहर आ चुके हैं भाई ड्रीमी बॉय। अब इधर से जाएंगे कैसे, दूर दूर? तू मेरी बात तो सुन ले। अबे अबे भाई, अरे वो मैं हूं, तू है, एक है, हम दोनों, मेरे से तो बात कर। ओ माय, अरे भाई, अबे दूर हो। हे भगवान, ये देखो उसका क्या चालू है। अरे भाई साहब, तू मुझे बचाने आया था उसे, ये क्या कर रहा है ड्रीमी बॉय? ओए ओए सुन ले भाई, यहां से जाएंगे कैसे, कैसी हरकतें हैं तेरी इस टाइमलाइन में? अरे उड़ के जाएंगे तो भाई, हम पे लाइटर थोड़ी है मेरे भाई, ये लाइटर तू देगा ना, ये लाइटर लाया दो दो, क्योंकि इसको भी लेके जाना है साथ में। हाँ तो चिल्ला मत ना, दे ये लाइटर। अभी तू ऊपर गया था बुढ़ता, तब तो तू कह रहा था कि दे रहा हूँ, अब मना कर रहा है। ये बंदा बहुत चालू है, ये चला रहा है हमको। भाई भूल मत कि मैं सब जानता हूँ तेरी हरकतें, तू मैं एक। अबे उसको ही लाइटर दे रहा है और मेरे को कौन देगा ये लाइटर? ओ भाई जी, मेरे को कौन दे? मेरे को तो इलाइट्रा दे। हाँ जल्दी, रॉकेट्स और इलाइट्रा भी चाहिए। ए भाई अपनी ये नाटकपन बाद में करियो, मेरे को इलाइट्रा दे दे ड्रीमी बॉय। अब मैं तेरे से 10 बार मांगू। अबे उड़ गए दोनों, दोनों जा चुके हैं। वाओ गाइस, नहीं 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 ये नहीं, ओ माय गॉड, मेरे को लगा दोनों जा चुके हैं, बट ये ड्रीमी बॉय जल्दी दे दे, मजाक से हट के भाई दे दे, अभी 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 भाई तूने कर दिया सिस्टम मेरा। ओके इलाइट्रा आ चुका है, बॉयज और रॉकेट्स है, जल्दी। यस, अब यहाँ से किधर जाने वाले हैं हम लोग, रास्ता पता है ना भाई तेरे को कि कहाँ से निकल के जाना है? हाँ तो जल्दी लेके चल, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। 1 2 3 लेट्स गो। अरे उड़, तू चाहता क्यों नहीं है जाना? हाँ जल्दी चलो। ओके बॉयज, ओके लेट्स गो। ड्रीमी बॉय यहाँ पे आ चुका है और वो लड़की किधर है? वो भी आ चुकी है। गाइज ये देख रहे हो तुम लोग, ये है पूरी जेल का व्यू ऊपर से। भाई साहब ये सबसे ज्यादा सिक्योर जेल है और ये पूरी की पूरी देखो डिस्ट्रॉय हो चुकी है अभी। हाँ बेटे परपी, और तुझे तुझे हमसे भिड़ना है ना, तू और अभी इस जेल की इस सबसे सिक्योर वॉल के ऊपर ही खड़ा हूंगा मैं। आजा 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 आजा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये रोकेंगे हमें ये। ये देख रहे हो पूरी की पूरी क्राइंग ऑब्सीडियन की जेल बनी हुई थी ब्रो, दिस इज बैड। वो देखो वो वहां पे आ चुकी है। ड्रीमी बॉय कौन से डायरेक्शन में जाना है अभी हमें? हाँ हाँ ओके हाँ, तो चल जल्दी चल फटाफट लेके। ओके बॉयज, ये पूरा का पूरा पता है यहाँ पे डेजर्ट है, पूरा का पूरा डेजर्ट है दूर दूर तक। ये देखो तुम लोगों को मैं दिखाऊं ना, अभी तो यहाँ पे ये उबड़ खाबड़ वाला डेजर्ट है, लाइक पहाड़ बने हुए हैं या कुछ बना हुआ है, आगे देखना तुम लोग। ये देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेन डेजर्ट शुरू हो चुका है। और मैं तुम लोगों को दिखाऊं ना कि यहाँ पे एक बार मैं नीचे उतरता हूँ, देखो देखो देखो। और ये देखो एकदम अटैक ऑन टाइटन वाला फील नहीं आ रहा, वाइब वैसी नहीं आ रही है। देखो हम कितने छोटे छोटे हैं, सामने से बड़े बड़े टाइटन आए। भाई साहब डेंजर नहीं लग रहा गाइस ये? हाँ रॉकेट चाहिए थे भाई मेरे को, और देना यार, इतने से क्या होता है, थोड़े और देना, दोस्त नहीं है मेरा, और दे। हाँ ये हुई ना, वाओ थैंक यू सो मच गाइस, इतने भाई तूने उसको इतने सारे रॉकेट्स दे रखे थे। ये लड़का खतरनाक है भाई, ये ड्रीमी बॉय लिटरली मेरा भरोसा उठता जा रहा है इससे। भाई तू मेरे को भूल रहा है, कुछ गोल्डन कैरेट देना, गोल्डन कैरेट है। अबे यार यहाँ का ड्रीम बॉय क्या ये बेकार की चीजें खाता है, अभी जल्दी चलते हैं, आ जाओ फास्ट 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 लेट्स गो बॉयज। और हमेशा की तरह गाइस एक बात, ये नीचे क्या कर रहा है? हाँ जल्दी एक बात और कहना चाहूंगा, हमेशा की तरह हिमलैंड्स का स्काई ब्रो,
कितना ज्यादा खतरनाक दिखता है ये। और अभी हम तीनों कितने ऐसा लग रहा है ऐसे पंछी उड़ रहे हैं हवा में, लिटरली मैन। तो ओके गाइस, अभी इस बंदे ने मेरे को बताया कि ये हमें लेके जाने वाला है स्मूटी पाई और SGO-69 अलाइव के पास। और अभी हम लोग उससे आके मिलने वाले हैं। और इसने मुझे बताया कि नुबड़ा जी, जो हमारा प्यारा नुबड़ा जी था, वो यहाँ से जा चुका है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेन हिमलैंड पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ओ माय गॉड, यहाँ पे विलेज भी है, यहाँ पे विलेज भी है ब्रो। क्या मेरे को विलेज में रुकना चाहिए? आज की रात इस विलेज में बिताएं क्या? है ब्रो, क्या बोलता है? तो ये कह रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है एरिया, तो आज की रात इस विलेज में बितानी पड़ेगी हमें। ओके, अबे ये SGO भाई के काम है, ये तू क्यों कर रहा है? ये क्या बंदा है ब्रो, ये देख रहे हो? इस पे कोई, मेरे पे कोई टूल भी नहीं तो मैं तेरी मदद करता मेरे भाई। ओह शिट, देखते हैं गाइस, आज देखते हैं फ्यूचर वाला ड्रीम बॉय, नहीं मैं अपने रियल लाइफ वाली सीरीज में घुस गया था, दूसरी टाइमलाइन वाला ड्रीम बॉय क्या इसे मार पाएगा। लेट्स गो, देखते हैं कितना ज्यादा प्रो है वो। पिकेक्स से मार रहा है, लेजिट पिकेक्स से तू इसे मारेगा, 10 जन्म में मरेगा मेरे भाई। एक्स ले ले, वाह, क्योंकि ड्रीम बॉय को एक्स पसंद है। क्या बंदा है भाई, क्या बंदा है। कुछ स्वॉर्ड वोर्ड दे मेरे को मेरे भाई, कुछ देना मेरे को स्वॉर्ड। ओके बॉयज, अभी रुकते हैं इस विलेज में। कितनी प्यारी प्यारी बिल्लियां घूम रही है यहाँ पे। बट ए छोटू, पापा कहाँ तेरे? अबे दरिंदा है भाई, यहाँ का ड्रीम बॉय, मैं सोने चला भाई। थैंक यू सो मच यार, समझती है, बुला रहा है मेरे को। क्या कह रहा है भाई, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अबे यार ये क्या दरिंदगी कर रहा है यहाँ पे तू? ओए, एक कमरे में एक सोएगा सिर्फ, ठीक है? जहाँ से भाग जा सीधा, मैं नहीं सुनाने वाला भाई किसी को अपने साथ। अरे भाई ये बंदा मेरे को भगा रहा है यहाँ से। ओ भाई, हाँ उसे खुद नहीं आना, उसे खुद नहीं आना, निकल जाए यहाँ से, चल चल चल। ये नल्ला भाग यहाँ से, भाग। अयो मतलब देख, तू एक काम कर, तू मेरे को ना पिकेक्स दे, अपनी पिकेक्स दे, मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है जो तू उससे सेफ रहेगी। फिर पिकेक्स दे, यस ओके। सो तेरा घर मैं इधर बनाने वाला हूँ, देख तू नीचे चल। वैसे भी आज आज के लिए हम रुकने वाले हैं ना, तो तू इधर जा, अंदर आजा, इधर आ, यस इधर आ। और ये तेरा बेड है, ठीक है? इधर इधर बैठ, यहीं पे रह, ठीक है? और मैं तेरे को इधर से ब्लॉक कर देता हूँ, कहीं गायब मत हो, ठीक है? लाइक सुबह होगी जब अगले दिन हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और वेट करते हैं रात होने का, फिर सीधा हम जाने वाले हैं सोने। तो ओके बॉयज, यहाँ पे रात हो चुकी है और तुम लोग रात का स्काई देख सकते हो, कितना ज्यादा खतरनाक है। मैं तुम लोग को बाहर निकल के दिखाता हूँ, ये देखो ब्रो, रात में क्या ही अलग लगता है ये दिखने में भाई साहब, ये बहुत ज्यादा डेंज। ये बंदा कहाँ घूम रहा है रात को, ये चोरियां कर रहा है भाई। यहाँ हम रुकने आए थे मेहमान बन के, और यहीं पे ये इनका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। ड्रीमी बॉय ड्रीम बॉय, इधर उधर इधर मेरे पास आओ मेरे पास। भाई यहाँ का स्काई तुम्हारे यहाँ पे नॉर्मल है, ये सब इतना खतरनाक सा स्काई तो इतना ज्यादा क्लियर, तुम्हारे यहाँ पोल्यूशन नहीं होता क्या? हमारे यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है दूर दूर तक, सच्ची भाई साहब। देख रहे हो नेब्यूला, स्टार्स, मतलब भाई कितना ज्यादा क्रेजी है। काश हमारे हिमलैंड्स में, एक सेकंड मैं अपने लाइब्रेरियन से पूछूंगा क्या वो हमारे हिमलैंड्स के स्काई को इतना ज्यादा औसम कर सकता है। और ड्रीमी वो एक बात और बता मेरे को, क्या तेरे पास लाइब्रेरियन है? लाइब्रेरियन क्या, तेरे पास अभी तक लाइब्रेरियन नहीं आया? अरे यार क्या मैं इसको फ्यूचर की चीजें बता दूं क्या? क्या तू जानना चाहेगा तुम्हारे साथ मतलब फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है? देगा क्या मेरे को? मैं तेरे को फ्यूचर बताऊंगा पूरा। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा? तू देगा क्या ये बता, तू एक्स दे डायमंड की, तो मैं बताता हूँ तेरे को डायमंड की एक्स तेरा भाई। हाँ जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे, तेरे को बताऊंगा फिर मैं कि तेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओ माय गॉड भाई, गोल्ड से काम नहीं बनता, ये बेचारा बेटा मारना इसे। Oh my, what? Hey, boy, what the hell? एक सेकेंड ब्रो, what is this? इतनी अरे मेरे पे क्या चिल्ला रहा है वो, मेरे को क्या पता वो लड़की कहाँ है? भाई ड्रीमी बॉय मेरे से कह रहा है वो लड़की सेफ है या नहीं है, जल्दी देख। ओ माई गॉड ब्रो, वेट इतने सारे हस्क ज़ॉम्बी, शिट ब्रो। ओके मैं उड़ने वाला हूँ, होली शिट ब्रो, ये देख रहे हो तुम लोग? नहीं मैं बीच में गिर जाता अभी इनके, दिस इज बैड, अबे सारे पीछे पड़ गए। ड्रीमी बॉय ऊपर उड़ अबे उड़ ले हवा में। ओह शिट मैन, ये देख रहे हो तुम लोग कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है ये, और ये सारे के सारे मेरे ही घर के पास घूम रहे भाई। वो लड़की डेंजर में है, सच्ची बोल रहा भाई, मजाक से हट के भाई मेरे रॉकेट खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। ड्रीमी बॉय भाई तू ये सारे मेरी तरफ क्या ला रहा है क्या? व्हाट सही, अबे तू पागल हो गया क्या? ओह शिट ब्रो, ओह शिट, एक सेकंड, यहाँ पे रूइन पोर्टल है, इसमें से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा मेरे को। ये बंदा मेरे को लिटरली ये कह रहा है कि पहले उस लड़की को ला, तब हम लोग लड़ने वाले हैं इससे। ओह माय गॉड, कुछ तो माल मिला मेरे को। यस होली शिट ब्रो, यस लेट्स गो बॉयज, अभी मैं बताता हूँ इन सारे के सारे हस्क ज़ॉम्बीज़ को। ओह
बहुत सारे हैं, इनकी पूरी आर्मी आ चुकी है, पूरी आर्मी। पता नहीं ब्रो कैसे लड़ने वाले हैं, हमें इनसे लड़ना भी चाहिए क्योंकि अगर मैं लड़ने गया ना अभी, मेरे पे ना आर्मर है ना कुछ है, सीधा टपकेंगे हम लोग सीधा। होली शिट ब्रो, तुम लोग देख पा रहे हो ये बहुत ज्यादा डेंजर है। अभी लेजिट ना इन सबको दूर रहना पड़ेगा और उस लड़की को वहां से बाहर निकाल के इधर से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हस ज़ॉम्बी तो उसके पास पहुंच गया ना, उसके पास ना आर्मर है ना कुछ है, वो मर जाएगी। ओके ओके ब्रो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस मैन, ये सब क्या है, ये सब क्या है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता तुम लोगों से, मैं बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता इन लोगों से भाई साहब। नहीं, गलती से भी अगर नीचे गिरा ना तो मेरा काम हो गया, मेरा काम लिटरली हो गया। अबे कुछ कर ड्रीमी बॉय, ये साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं नहीं करने वाला, पहले उसको बचा। भाई क्या बात कर रहे हो, ओ माय गॉड, ये सबसे नहीं भाई, ये सब क्या है, खतरनाक चीज। ओ शिट मैन, ओ शिट, कितना ज्यादा लैग हो रहा है, और ये देख रहे हो तुम लोग ऐसा लग रहा है ये तेल में उबल रहे हैं, ये देखो। What the hell? What the hell? ये बहुत डेंजर है, इतने सारे हस ज़ॉम्बीज आ किधर से सकते हैं, और इन सबको पेलते हैं अभी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें मैं उबालता हूँ अच्छे से। यस ड्रीमी बॉय, इन सब से यार हम नहीं लड़ सकते, लिटरली हम लोग नहीं लड़। अरे वो लड़की कहाँ से ला के दूँ भाई मैं तेरे को, व्हाट 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 द हेल ब्रो, एक हीरो ब्राइन मतलब जीरो ब्राइन। ओ माय गॉड बॉयज, मैं तो भूल गया था कि अपने पास हीरो ब्राइन भी है यहाँ पे, मतलब जीरो ब्राइन। दिस इज गुड ब्रो, इसने सारे के सारे हस ज़ॉम्बीज मार दिए, ये कितना ज्यादा क्रेजी और ऑसम है ना। वेट वेट, यहाँ के गए क्या सारे, सारे टपक गए सारे ए टू जेड इसके एक दो हिट में। ओ शिट मैन, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा क्रेजी हैं यार, काश मैं इसको अपनी टाइमलाइन में ले जा पाऊं यार, बट मैं लेके नहीं जा सकता क्योंकि ये इस ड्रीम बॉय की है, मतलब ए आए मर जाऊंगा। तीन हट पे हूं यार, क्या कर रहा है भाई, देख देख देख, मैं तेरे को लाके देता हूं, मैं तेरे को बताता हूं, तू हीरो ब्राइन को क्या, अबे मेरे को धमकी दे रहा है कि हीरो ब्राइन से मारूंगा, तू लिटरली मेरे को मारना चाहता है, तू और मैं सेम ही है मेरे भाई, ऐसी हरकत मत कर, जल्दी आ जा, आ जा, आ जा, ए मेरे सामने तो बोल भी मत, आ जा मेरे अंदर से हीरो ब्राइन, पागल समझ है क्या, ए मेरे को तो धमकी दे भी मत, तू पागल समझते है क्या, आ जा मेरे अंदर। ओ अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया, मेरे को क्या धमकी दे रहा है हीरो ब्राइन, मतलब जीरो ब्राइन तू पागल है मेरे को मारेगा, मैं वही हूँ ड्रीमी वही हूँ मैं। अबे अच्छा ना ठीक है, ला रहा हूँ, ठीक है बुला रहा हूँ, इसे इस जीरो ब्राइन को गायब कर भाई, ये दिखता बहुत डेंजर है, गायब कर इसे। ओह माय गॉड ब्रो, यहाँ का जीरो ब्राइन बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा, ठीक है ला रहा हूँ, उसी घर में है वो हमारे वाले, आ जा ये देख, ये वाला जो हमारा घर है ना इसके अंदर चल, और इसके अंदर है वो, जा आजा आजा बाहर आजा यार, इस लड़की का नाम भी नहीं पता एक तो मेरे को, बाहर आजा। What the hell? Obsidian से इसने पूरा सिक्योर कर लिया था अपना घर, आ जाओ यहाँ से बाहर निकलो। ए गाइस अभी ज्यादा मत करो और अभी निकलते हैं भाई, ये विलेज में रुक के ना बहुत बड़ी गलती करी है लेजिट। अभी ड्रीमी बॉय बता भाई कि क्या करना है और कैसे क्या है। तो ओके बॉयज, अभी ड्रीमी बॉय ने मेरे को ये बताया कि इसने पूरा का पूरा मैसेज भेज दिया था स्मार्टी भाई, मतलब स्मूटी भाई और SGO69 अलाइव पे कि ड्रीम बॉय बाहर आ चुका है जेल से, और इसने मुझे ये बताया कि हीरो ब्रेन जब वापस आया तो उसने ड्रीमी बॉय को बताया कि उन सब लोगों ने बोला है कि ड्रीम बॉय से मिलवाओ, मतलब मेरे से स्मूटी बॉय और SGO69 लाइफ से मिलवाओ, और ये कुछ बहुत खतरनाक और कुछ बड़ा डिस्कस करने वाले हैं मेरे से, जो कि इस टाइमलाइन की सबसे बड़ी चीज है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो बड़ी चीज क्या है, ड्रीमी बॉय तेरे को पता है क्या वो अभी? ओ माय गॉड, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उस बड़ी चीज में ना या तो ये होगा कि मेरे को मेन टाइमलाइन में भेजना, पर मेन चीज ये इन्होंने कही कि वो जो बड़ा कुछ करना है वो इनकी टाइमलाइन से रिलेटेड है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इनकी इस टाइमलाइन में क्या काम आ सकता हूँ इनके। तो ओके ड्रीमी बॉय, ड्रीमी बॉय, अरे भाई बाद में बात कर लियो उससे, अभी प्लीज लेके चल और डिस्कस करते हैं कि वो बड़ी चीज क्या है, मैं तुम लोग के किस काम आ सकता हूँ। लेट्स गो बॉयज, अभी हम लोग निकलने वाले हैं सीधा स्मूटी भाई और SGO69 अलाइव के पास। तो ओके बॉयज, बहुत ज्यादा देर तक ट्रैवल करने के बाद ड्रीमी बॉय हमको यहाँ पे लेके आ चुका है, और ये बोल रहा है कि यहीं कहीं हमें लैंडिंग करने है, क्योंकि स्मूटी बॉय और SGO69 अलाइव भाई ने यहीं पे हमें बुलाया है। अभी पता नहीं कहीं लेके जा रहा है, ओपन एरिया में, ओके यहीं पे लैंड करना है। ओके 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 ओके, ये करा लैंड, ये भी आ चुकी है, लेट्स गो बॉयज। अभी कितनी देर हमें वेट करना पड़ेगा, कितनी देर? ओके सो ये मेरे को बोल रहा है कि टाइमिंग का तो नहीं पता, बट उन्होंने बोला था कि यहीं पे आने वाले हैं वो, सो अभी हमें इधर ही वेट करना पड़ेगा उनका। भाई क्या बोलूं, कितनी देर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं, पता है शाम हो चुकी है यहाँ पे, लेजिट शाम हो चुकी है यहाँ पे ब्रो, वहां पे एक विलेज भी है और ये ड्रीम, वो
दोनों आ चुके हैं, वो है स्मूटी भाई और वो है एजियो भाई, मतलब एजियो 69 लाइव। और गाइस यहां पे बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है, बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ, सो देखते हैं। ड्रीमी बॉय फाइनली बंदे आ चुके हैं और अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जो भी के वो जी व्हाट